गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी सुबह के 6 बजे हैं और मैं आ गया था मॉर्निंग वॉक पे काफ़ी दिनों बाद, क्योंकि 11 तारीख से जब से फिंगर में चोट लगी है तब से मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा था, मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा रहा था। तो आज काफ़ी दिनों बाद आया हूँ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक्सरसाइज की है हल्की फुल्की। तो फ़िलहाल तो आज का शेड्यूल है, अभी तो जाना है जल्दी जल्दी जाके तैयार होके फरीदाबाद जाना है क्योंकि इस फिंगर को चेक कराना है हॉस्पिटल में। ये आगे से नाखून नीला हो गया, दिख रहा होगा आपको। बाकी मैं रिस्क नहीं लेना चाहता बिल्कुल भी, क्योंकि खेल भी नहीं पा रहा हूँ ना काफ़ी दिनों से। तो यहाँ बोला है वैसे डॉक्टर ने कि जल्दी सही हो जाएगा, 15-20 दिन में, एक महीने में दूसरा नाखून आ जाएगा, परंतु मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। एक बार इससे चेक कराऊँगा अच्छे हॉस्पिटल में, फरीदाबाद जा रहा हूँ। तो फिर उसके बाद जाना है ड्यूटी, थोड़ा लेट जाऊँगा ड्यूटी वहीं से। तो काफ़ी बिजी शेड्यूल है, काफ़ी परेशानी होगी आज, तो वो सब कुछ दिखाएंगे आपको व्लॉग में, एंड तक ज़रूर देखें। चलिए फिर मिलते हैं गाइस। हाँ तो गाइस अभी रेडी हो गया था और टाइम हुआ है 6:43, तो अभी जल्दी जल्दी जाता हूँ। और यहाँ गांव में रोडवेज आती है, बस से जाना है, बल्लभगढ़ जाती है सीधी, तो उसी में चलेंगे, दिखाएंगे रास्ते के नज़ारे। चलिए फिर मिलते हैं। खाना पहुँच गया भाई, रास्ते 1 घंटा लगेगा बल्लभगढ़ पहुँचने में। अभी वेट कर रहे हैं सवारी का रोडवेज बस में, पहुंच गया था बल्लभगढ़ बस स्टैंड पे। तो अभी यहाँ से 904 बस पकड़नी है, बाकी जाना है हॉस्पिटल, यहाँ से लगभग 9 किलोमीटर होगा। तो अभी टाइम 8:30 हुआ है, तो पहुँचते हैं, 9:30 तक पहुँच जाऊँगा, फिर मिलते हैं। यहाँ से बस जाएगी, बैठना है, बाकी मेट्रो स्टेशन भी है ये देखो काफ़ी, और गंदगी भी काफ़ी है बल्लभगढ़ में, बल्लभगढ़ की हालत है। यहाँ से जाना है, लगेगा 1 घंटा और। हाँ तो गाइस अभी जाना है इस हॉस्पिटल में, अमृता हॉस्पिटल, यहाँ से है 2 किलोमीटर। तो अभी ऑटो का वेट कर रहा हूँ, मिलते हैं हॉस्पिटल में। चलो इसको फोटो लेने, इसको फोटो लेने हमें हॉस्पिटल का। हाँ तो गाइस मैं पहुंच गया था हॉस्पिटल, और देखो गणेश जी की मूर्ति लगा रखी है, कितना अच्छा लगा। और हॉस्पिटल पहुंच गया था, अमृता हॉस्पिटल, काफ़ी बड़ा है, ACM नंबर 1 बताया है फरीदाबाद में। चलिए अंदर से दिखाते हैं आपको पार्किंग। हाँ तो गाइस ये है अमृता हॉस्पिटल, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बताया भाई, एशिया का सबसे बड़ा भाई है, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, और इसमें इलाज होगा इस फिंगर का, देखो वाह क्या बात है। फरीदाबाद में है ये भाई, बहुत बड़ा कॉलेज भी है इसमें भाई, हैं अच्छा कॉलेज और रहने की बिल्डिंग भी है, जैसा कि आपने नक्शा में देखा, अभी बनी रही है बिल्डिंग। और भी बहुत बड़ा हॉस्पिटल है भाई, पूरे में तो घूम नहीं पाया मैं, अंदर गया था, अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, इसलिए ये दृश्य दिखा दिया आपको। बहुत ही भव्य और अच्छा एशिया का नंबर 1 हॉस्पिटल अमृता हॉस्पिटल। चलिए फिर मिलते हैं, अभी निकल रहा हूँ मैं यहाँ से। चलिए फिर हाँ बात करेंगे खाना। टाइम 2 बज गया भाई और अभी लंच कर रहे हैं,
साथ है, मेरा फ्रेंड है भाई, पंजाब से हैं, जॉब करते हैं साथ में। तो अभी लंच करें, काफ़ी लेट हो गया, आज हॉस्पिटल से आए थे ना इसलिए लेट हो गया। तो मिलते हैं फिर सफ़र में, घर जाएंगे, अभी निकलेंगे। हाँ तो गाइस अभी आ गया था बल्लभगढ़ बस स्टैंड पे, यहाँ से मिलेगी सोहना की बस, फिर पहुँचते हैं सोहना, मिलते हैं आपसे। हाँ तो गाइस अभी मैं पहुँच गया था घर, और आज तो पूरा दिन वहीं हॉस्पिटल में निकल गया, बाकी आने में 2 घंटे लग गए, काफ़ी ट्रैफिक था, वीडियो नहीं बना पाया मैं, काफ़ी भीड़ थी बस में। तो हाँ अभी 5:30 हो रहे हैं, तो अभी मैं जा रहा हूँ ग्राउंड पे, मिलते हैं प्लेयरों से, प्रैक्टिस करेंगे, मैं नहीं खेलूँगा, बाकी दिखाते हैं आपको। चलिए तो गाइस ग्राउंड पर आ गया था, यक्षित सभी बैठे हुए हैं, बोला स्मैशिंग वॉलीबॉल चल रहा है, शूटिंग वॉलीबॉल चल रहा है, अभी तगड़ा मैच लगेगा, वो भी दिखाएंगे आपको। दानवीर भाई भी आने वाले हैं अभी ग्राउंड पे, जबरदस्त मैच लगने वाला है। मैच देख रहे हो सारे, 8 बज रहे हैं रात के और ये मैच देख रहे हैं, पढ़ाई करने का ला थारा एग्जाम है प्रधान, मैच चल रहा है जबरदस्त भाई, दानवीर भाई भी आए हुए हैं, तगड़ा मैच चल रहा है भाई। मोरे हमारे कैप्टन इंडरी टीम के सभी प्लेयर के। हाँ तो गाइस अभी 9 बज गए हैं शाम के, तो अभी इस ब्लॉग को मैं एडिट करूँगा। तो आज काफ़ी बिजी डे रहा, हॉस्पिटल गया था और वहाँ से फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, तो ऑफिस भी नहीं जा पाया, छुट्टी करनी पड़ी। तो इस ब्लॉग को अभी मैं एडिट करूँगा, और आई होप आप सभी को ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और नए हैं चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पे ब्लॉग आपको डेली 8 बजे शाम को मिलते हैं, और अभी 2-3 दिन से टाइम से ब्लॉग नहीं डाले जा रहे हैं, बिकॉज नेट 3 दिन से बिल्कुल बंद है, मेवात डिस्ट्रिक्ट में ये नेट बंद है। किस रीजन से बंद है, कोई विवाद हुआ है हिंदू मुस्लिम का, कोई मर्डर हुआ है, तो उस विवाद के कारण ये नेट बंद कर रखे हैं। तो क्या मामला है, वो सब कुछ कार्रवाई हो रही है, पुलिस कानून कार्रवाई हो रही है, जो भी होगा जल्दी समाधान निकल जाएगा, और जल्दी जो इंटरनेट सेवा है वो भी चालू कर दी जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं गाइस, राम राम सभी भाइयों को।